लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। युवराज दुर्योधन की, युवराज दुशासन की, 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 युवराज दुर्योधन की, युवराज दुशासन की। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ पुत्रों, शांत हो जाओ। जय जयकार बहुत हो गई। अब ये तो बताओ, तुम सबने वन विहार में क्या क्या देखा? माता श्री, वन में बहुत सारे हिंसक पशु होते, हम लोगों ने कई पशुओं को मार गिराया। वन के पशु हमसे भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। दुर्योधन भैया ने अपनी गदा से वनवासियों को बहुत पीटा और मैंने भी बहुत पीटा। अपनी गदा से वनवासियों को पीटा? क्या किया था उन वनवासियों ने? पिताश्री, वो हमें पशुओं को मारने और उनका शिकार करने से रोक रहे थे। उन्हें क्या नहीं था कि हम हस्तिनापुर के राजकुमार हैं, राजकुमार दुशासन। पिताश्री, यदि हम उन्हें नहीं पीटे तो वो हमारी जयजयकारी नहीं करती। राजकुमारों, वनवासी हमारी प्रजा है और प्रजा को कष्ट देना अनर्थकारी होता है। हाँ पुत्रो, प्रजा के समर्थन से ही राजकाज चलता है, इस बात का तुम सबको ध्यान रखना चाहिए। पुत्र दुर्योधन, तुम अग्रज हो, तुम्हें अपने सभी भ्राताओं के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना चाहिए। पुत्र, पिताश्री, प्रजाजनों को अनुशासित करने के लिए उन्हें कठोर दंड देना ही पड़ता है, इसलिए हम अपने भ्राताओं को कैसे मना कर सकते हैं? कितने चतुर हैं ये बालक। देवी गांधारी, हमारे ये पुत्र हस्तिनापुर का भविष्य है। ये तो अभी से राजनीति की भाषा बोलने लगे हैं। परंतु इस राजनीति से राज्य का अहित भी हो सकता है भ्राताश्री। नहीं महात्मा विदुर, अभी तो इनकी आयु खेलने और आनंद मनाने की है। ये नन्हे राजकुमार भला राज्य का क्या हित कर सकते हैं? जाओ पुत्रो, जाओ खेलो और आनंद मनाओ, जाओ पुत्रो। जो मेरी गदा को लक्ष्य करेगा वो आज के खेल का विजेता होगा। खेल आरंभ। हाँ, आरंभ। तो ठीक है, चलो। अपनी दृष्टि अपने लक्ष्य पे रखो, 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 अपनी दृष्टि अपने लक्ष्य पे रखो और बाण छोड़ो। और अर्जुन जीत गया। शस्त्र अभ्यास के लिए यह स्थान बहुत छोटा है, हम सब भाई वन में जाना चाहते हैं। हाँ पिताश्री, हम शीघ्र ही वन में जाएंगे और अपने साथ माताश्री को भी ले जाएंगे और वन में मीठे मीठे फल खाएंगे। तब तो हम भी जाएंगे। अवश्य जाओ पुत्रों, परंतु पहले माताश्री से तो पूछ लो। क्यों देवी, तुम जाओगी उनके साथ? अवश्य स्वामी, किंतु आपको एकांत में छोड़कर। मेरी चिंता ना करो, देवी माद्री सरोवर से जल लेने गई है, शीघ्र ही लौट आएगी, तुम जाओ इनके साथ। किंतु स्वामी। निश्चिंत होकर जाओ, परंतु संध्या से पूर्व लौट आना। जो आज्ञा। चलो पुत्रो, चलो। Thank you.
ये क्या हो रहा है मुझे? ये कौन सा आकर्षण है जो खींच रहा है मुझे? तेरी सौंदर्य सरिता में डूब रहा हूं मैं। तेरे अंग प्रत्यंग से छलकता यौवन अभिभूत कर रहा है मुझे। मुझे स्वयं नहीं पता मुझे क्या हो रहा है माद्री। नहीं स्वामी, स्मरण कीजिए ऋषि का श्राप। नहीं माद्री, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ माद्री, तुम भी सब कुछ भूल जाओ। मुझे तृप्त करो माद्री, मुझे तृप्त करो। माद्री, स्वामी, 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 स्वामी के निधन का मात्री ने अपने को दोषी मान लिया। संग जी ने मरने का प्रण रखने प्राणों का बलिदान दिया। करके बच्चों को मातृहीन कुंती मर भी नहीं सकती है। कर्तव्य विवश शोका कुल हो अब आगत का मुँह तकती है।